गांव में बचपन से मैं देख रही हूँ कि हमारी एक मस्जिद है जहाँ पे एज किड्स हम लोग अलाउड नहीं थे, ज़्यादातर लड़के आदमी वहाँ रहते हैं, और जगह भी दुनिया में औरतें जहाँ से जगह किसी भी जगह पे भी कोई भी औरत जो है वो लीडरशिप पोजीशन में नहीं है रिलीजियस स्पेस में, ना कोई आपको वुमेन पोप मिलेगी, ना कोई आपको इमाम मिलेगी वुमेन, ना कोई. सो ये मेरे दिमाग में हमेशा था कि क्यों औरत को अलाउड नहीं है, क्योंकि पहले औरतें आर्मी में भी अलाउड थी, बहुत जगह अलाउड नहीं थी, वोटिंग राइट्स नहीं थे, सब जगह धीरे धीरे ही बदलाव आता, तो इधर भी बदलाव आना चाहिए मेरी थॉट थी. ये मैंने एक फीचर फिल्म लिखी थी जो सर पे चढ़ाए हो गलत बात, बहुत दिन मैंने पिच करी लेकिन सब डरते थे कि नहीं लोग क्या कहेंगे, इट्स कॉन्ट्रोवर्शियल. तो मैंने सोचा कि मैं इस कहानी को कैसे कहूँ, तब मैंने बहुत सारे ईरानी फिल्म की डायरेक्टर्स की फिल्म देखी हैं जो बच्चों के थ्रू बहुत कुछ करते हैं, क्योंकि बच्चों के थ्रू इफ़ वी से समथिंग इट्स नॉट ऑफेंसिव एंड पीपल डोंट रियली गेट ऑफेंडेड. तो आई थॉट ऑफ राइटिंग द सेम स्क्रिप्ट फ्रॉम अ चाइल्ड्स पॉइंट ऑफ व्यू. सर मैं एक चीज कहना चाहती हूँ कि ये फिल्म जो भी मैंने लिखा है उसमें सारा क्रेडिट मिस्टर बोमन ईरानी को जाता है, जो मेरे मेंटोर हैं, जिन्होंने मुझे स्क्रीन राइटिंग सिखाई है. और इससे पहले भी मैं राइटर थी, लेकिन मुझे मैं ऐसे लिख रही थी इंट्यूटिवली, लेकिन जो सीखा है मैंने, टेक्निक सीखी है, चीजें सीखी है, वो हमने बोमन सर से सीखी है. हम लोग उसमें दोनों स्टूडेंट्स हैं एंड बहुत 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 आई एम ग्रेटफुल टू बोमन सर. बोमन सर प्लीज. Honestly, the moment is yours, Saba. Not mine. I don't deserve. I deserve a little bit of love, lots of love, lots of love. But not the credit. No question about it. You deserve all the credit. No, darling. Aapne, when you have conceived this, it comes from your mind. It comes from your talent, your art, and your heart. इसमें और कुछ नहीं है. Someone wants to say something. Someone wants to express it. Someone did it because they know that cinema is a great way to tell a story. To tell not just the story of a little girl, but to speak of themes. We are in this world little unaware of so many things. A theme के जरिए और बच्चों के जरिए हमें आज ये महसूस हुआ है, और everybody in the audience is teary-eyed. I am teary-eyed because of two things, because of the beautiful film, the little moments, the frames, the hands, the close-ups, the wide shots, the performance, and other two things because of Raghvi's beautiful framing and Saba, the way you have pulled out. कोई भी चीज करो लाइफ में, अगर जो भी आपको एक्सप्रेस करना है और लोगों तक पहुंचाना है, इफ देयर इज नो ऑनेस्टी इट विल नॉट रीच योर हार्ट. आई थिंक दिस फिल्म इज वेरी ऑनेस्ट एंड दैट्स व्हाई इट टच्ड आवर हार्ट. सो एवरीथिंग आई से यू हैव डन एवरीथिंग, वी जस्ट एक्सेप्ट योर लव. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू. वेरी 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 वेरी. और बोमन सर से मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा कि इस तरीके की चीज़ों को इसी तरीके से अगर सर पे हाथ रख देंगे ना, तो मुझे लगता है बहुत सी फिल्में अच्छी अच्छी बनना शुरू हो जाएंगी, क्योंकि ऐसी चीज़ें हैं, बहुत से लोगों के पास ये थॉट्स हैं लेकिन वो पहुंच नहीं पाते हैं. बहुत से रीज़न होते हैं, क्योंकि हमको बहुत बड़े की ज़रूरत होती है, कभी बहुत पैसों की ज़रूरत होती है, कभी दुआओं की ज़रूरत होती है. लेकिन बोमन सर ने जो किया है वो सलूट करने लायक. मैं चाहूंगा आप लोगों के साथ में अगर कोई सवाल है इस फिल्म को लेकर, इस खूबसूरत फिल्म को लेकर, तो प्लीज जरूर बताएं. हमारी टीम सामने है, आप लोग भी हैं. बोमन जी, व्हाट डू यू हैव टू से, यू नो कि माइक दो मेरे, आर कमिंग अप वन बेटा, माइक दो. अरे इन आवर टाइम्स यू नो वी कुड ओनली हार्डली सी मेकअप आर्टिस्ट, हेयर ड्रेसर एंड ऑल. So now all of them are, you know, accelerating in this profession. What do you have to say about this change? And you mentoring them? I think what you're saying is absolutely right. There was a time, I won't mention the film, but the director was a female, a girl, the producer was a girl, the writer was a girl, the cinematographer was a girl, and the assistants were all girls. And I was in that film feeling so proud
and I'm being bullied by this lot. And it's so much love and affection. So I think change is very, very necessary. Change is very, very, and somebody mentioned in the film, I think, people have become pilots and astronauts and prime ministers, and India was the second country to have a female woman prime minister, first being Sri Lanka. America still does not have a female president, and they are supposed to be the advanced for people in the world. So I feel extremely proud, and I'll tell you why I feel proud. I've been brought up by only women. My father was never, my passed away before I was born, so my mother and my three sisters brought me up. So for me, I'm extremely comfortable with the fact that I can be told and be taught by women. And today, Sabha has taught us how to make an honest film, how to be brave, how to be truthful. Believe me, Sabha, this movie will reach many hearts and at least make us think that, you know, there is a way forward. Nothing changes overnight. It's been years since women have become so prominent in the industry. I only support it and I only wish for more. It is Sabha's moment. Please ask that. Sabha, this was going to be a feature film, as you said. I heard rightly. So when are we expecting a feature film? This was a brilliant film. Actually the script was different, but it was about on this topic only, which I have turned into a book, which is going to get released in end of this year by Om Books. And so I, because वो बड़ी लड़की की कहानी थी, तो सब लोग डर रहे थे कि लोग ऑफेंड होंगे, तो मैंने पूरी कहानी चेंज करके एक 6 साल की बच्ची की कहानी करी. एंड दिस इज दैट फिल्म. And I'm writing a feature film, which is again about girls, and let's see when it gets made. Thank you. Anyone else, please? Yeah. Sawadi, aapne ek mic dijiye please. Ji. Usme awaaz pahuncha deta hu. Haan, pahuncha dijiye sir. To main janna chahta hu aapki jo journey thi, jab aapne film ko banane ke bare mein socha, to us samay kya aapko criticism ka samna karna pada logon ke, ki aapne ek alag sa subject uthaya hai जो जनरली अभी तक मैंने नहीं देखा किसी ने उठाया हो इस सब्जेक्ट को, तो आपको उस समय भी कुछ ऐसा सामना करना पड़ा लोगों के सवालों का कि क्यों आप ये बनाने जा रहे हो मूवी? सो जब मैंने अपने घर वालों को सुनाया, तो माय फोक्स आर प्रीटी प्रोग्रेसिव, लेकिन वो लोग भी बोले कि तुम संभाल के सोचो क्या लिखने जा रही हो, क्योंकि सारे मुल्ला तुम्हारे पीछे पड़ जाएंगे. सो बट आई वाज लाइक नो, आई हैव टू टेल द स्टोरी. And then that film, the other film, I had pitched to Aamir Khan Productions. So it was with, I don't know whether it reached Aamir or not, but 1.5 years तक जो उनके head थे शमत, उनके पास थी वो मेरे, मैं उन्हें script सुनाती थी, हमारा back and forth चल रहा था. फिर उन्होंने भी इसी वजह से कि there could be a backlash, they didn't make it. So I had to think and change the same thought to a child's story. एंड गांव में भी जब मैं शूट कर रही थी, तो काफ़ी लोग थे जो कि क्या कर रही हैं सभा बाजी, औरतें क्या इमाम बनती हैं, कुछ ऐसे लोग थे. बट मोस्टली सब लोग काफ़ी सपोर्टिव थे मेरी फैमिली वाले. सो फिर से बहुत बहुत बधाई आपको. आपने जो जर्नी यहाँ शुरू की है वो मंजिल तक जरूर पहुंचेगी, और बहुत डेरिंग का काम है इसको बनाना, और बहुत अच्छा मैसेज आपने दिया. एक बार जोरदार तालियां सभा जी की. सभा हमारी बहुत पुरानी दोस्त हैं, और जब इन्होंने ये फिल्म लिखी थी तब भी हमको बताया था, जो उन्होंने चैलेंजेस बताए इस स्क्रिप्ट के, बीइंग मुस्लिम आई ऑल्सो अंडरस्टैंड कि हाउ इट हैपेंस, इट इज वेरी चैलेंजिंग. लेकिन इस पिक्चर में सभा जो तुमने कमाल का किया, हम सब रोए, मतलब इट वॉज नॉट, मैं आखिरी सीन देख के रो रहा था. सबसे अच्छी बात यह है कि जो कुछ भी कहना था इस फिल्म में ना, वो बिना कहे भी सब कुछ कह दिया. सबसे खूबसूरत सीन जो हमको लगा वो लास्ट का था, कि वो छोटी बच्ची भी, और जब वो बड़ी होकर के वो बड़ी बच्ची बनेगी, तो दोनों लड़कियां सीटियां बजा रही थी, और वो सीटी उनका रिबन भी है, उनकी उम्मीद भी है, उनका फ्यूचर भी है, और ये इस कहानी का भी फ्यूचर है. ये सीटी जरूर बजा दो. सिखाया है कि बिना कहे, बिना डायलॉग यूज करे आप बहुत कुछ कहती.
Anyone else? Thank you. Thank you so much. Thank you, everyone. पहले तो जो भी ऑर्गेनाइज करता है फिल्म फेस्टिवल्स, शॉर्ट फिल्म्स के लिए, यंग फिल्म मेकर्स के लिए, ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि यहाँ से सब कुछ होने वाला है. द न्यू वेव ऑफ इंडियन डायरेक्टर्स एंड राइटर्स विल इमर्ज फ्रॉम हियर ओनली, विच विल डिफाइन द नेक्स्ट 20 ईयर्स एटलीस्ट ऑफ सिनेमा. तो ये जो कर रहे हैं एक्चुअली इन मैनी वेज एक थैंकलेस जॉब होता है. इतना मतलब लोग यू नो पागल नहीं हो जाते, लेकिन इट इज एक्चुअली द बेड रॉक, मतलब जहाँ से गंगोत्री है जहाँ से सब शुरू होने वाला है. और आई एम टोटली अप्रिशिएटिव ऑफ व्हाट यू आर डूइंग एंड आई एम सो प्राउड कि अपनी सभा की फिल्म मैं को इतना लव मिल रहा है, इतना प्यार मिल रहा है. आई एम सो प्राउड कि जो फिल्म हम की स्क्रीनिंग के लिए हम लोग आए विल इंस्पायर अदर्स. सभा तो बहुत जमाने से लिख रही है, लेकिन आई फील कि जैसे एक नई शुरुआत है उनकी लाइफ में, नई शुरुआत है उसकी फिल्म एज अ फिल्म मेकर. शी इज अ वेरी वेटरन राइटर, बट इट्स सो इम्पॉर्टेंट दैट यू फाइंड न्यू एनर्जी. और सभा इवन दो इतने सालों से काम कर रही है, इतने सालों से लिख रही है, उसके बावजूद भी ऐसा लग रहा है कि शी इज अ न्यू कवर. जैसे कि मैं भी ऐसे ही रोज समझता हूँ मैं एक न्यू कवर ही हूँ. सोचना ही नहीं चाहिए कि मैंने इतने साल काम किया, जो फिर हम लोग हमारा सीखना बंद हो गया. बट सर थैंक यू वंस अगेन फॉर दिस अमेजिंग अमेजिंग एंडेवर ऑफ योर्स. थैंक यू रियली सर. ये हमारे छोटे आज के सो माय फिल्म हैज बीन सिलेक्टेड. इट्स लाइक देयर वर 14 जूरी मेंबर्स. अयूब सर ने बताया एंड दे ऑल लव्ड द फिल्म. इट्स कॉल्ड द इमाम एंड इट इज डेडिकेटेड टू मिस्टर बोमन इरानी. बिकॉज बर्मन सर इज़ माई मेंटोर, उन्होंने मुझे फिल्म राइटिंग सिखाई है. तो जो कुछ भी फिल्म में आप देखेंगे वो उनकी बदौलत है. एंड आई रियली वॉन्ट टू थैंक हिम फॉर कमिंग एंड आई वॉन्ट टू थैंक अयूब सर एंड द एंटायर सिने ड्रीम्स टीम फॉर ऑर्गेनाइजिंग. अयूब जी ने बताया फिल्म जो है जी आपने लिखी और वो कुछ कहानी के बारे में. सो इमाम फिल्म मैंने लिखी है, डायरेक्ट करी है, प्रोड्यूस करी है, मैंने अपने गांव में शूट करी है. एंड द फिल्म इज़ अबाउट अ 6-year-old गर्ल हु वांट्स टू बिकम एन इमाम लाइक अ फादर. तो किसी भी रिलीजन में, ना मुस्लिम्स में, ना हिंदू में, क्रिश्चियन में, औरत जो है लीडरशिप पोजिशन में नहीं होती है. सो दिस फिल्म इज़ क्वेश्चनिंग दैट कि क्यों नहीं होती है. कोई भी फीमेल पोप क्यों नहीं है आज तक, या कोई फीमेल बहुत बड़ा संत क्यों नहीं है. चारों पीठ है, उनमें सब शंकराचार्य जो है मैन है, इसीलिए वो इस्लाम में इमाम क्यों नहीं है औरतें. तो वो बच्ची के थ्रू हमने ये सवाल उठाया. सिने ड्रीम फेस्टिवल के बारे में क्या कहना? सिने ड्रीम्स इज अ ब्यूटीफुल फेस्टिवल. आज पहली बार ऑर्गेनाइज हुआ है और उनका लाइनअप बहुत अच्छा है और मेरी फिल्म भी सिलेक्ट हुई है उसमें, तो मैं बहुत थैंकफुल हूँ. थैंक यू सो मच. ये मेरा फर्स्ट एवर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल है. जब मैंने ये फिल्म शूट की थी मुझे कोई उम्मीद, मतलब सोचा ही नहीं था उस दिशा में कि ये हम कभी बड़े पर्दे पर देखने वाले हैं. हमने एक्चुअली बनाया इसे इस प्लान से था कि ये OTT पे रिलीज होगा, लेकिन ये आउट ऑफ नोवेयर एक अच्छा सा सरप्राइज मिला हमें बड़े स्क्रीन पर. एक्चुअली मैंने खुद को पहली बार देखा और हम सब बहुत एक्साइटेड थे, बहुत मेहनत की हमने. पहली फिल्म है हमारी और आज की स्क्रीनिंग की दूसरी फिल्म थी ये. तो सुबह सुबह आई थिंक आज जन्माष्टमी भी है, सो इट वाज अ वेरी गुड स्टार्ट टू द डे. तो मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ कि सिने ड्रीम्स
सिने ड्रीम्स ने हमारा ये फिल्म चूज किया. एक बहुत ही अनोखा प्लेटफॉर्म है नए किरदारों को, नए टैलेंट को मौका देने का. और यही उम्मीद है कि हम ऐसे ही कुछ अपना बनाते रहे, क्योंकि यही मौका मिलता है नए कैरेक्टर्स एक्सप्लोर करने का, खुद की कहानियाँ बड़े पर्दे पर लाने का. तो आई एम वेरी ग्रेटफुल कि ये मौका हमें मिला. अच्छा मेगा, जो आपका फिल्म जो बनाया है, तो एक्चुअली है तो फोटोग्राफर की कहानी, लेकिन आप इसे इस नज़रिए से देख सकते हैं कि एक आर्टिस्ट कभी कभी अपने आर्ट बनाने के लिए किस जोन में वो जाता है, उसको कितनी मेहनत करनी पड़ती है, हर कोई उसे समझ नहीं पाता. तो वो इस थॉट्स को कैसे अपने मास्टरपीस क्रिएट करने में वो लगाता है, कहीं ना कहीं उसी की कहानी है. तो जी, ये एक फोटोग्राफर की कहानी है. वो एक कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट कर रहा है, जैसे आपने ट्रेलर में देखा होगा, और वो जीतना चाहता है और वो अपना मास्टरपीस बनाना चाहता है, और इस प्रोसेस में उसको क्या एक्सपीरियंस करना पड़ता है, ये उसी की कहानी है. थैंक यू सो मच. बहुत अच्छा काम किया आपने, मौका दिया. भाई आप क्या कहना चाहेंगे, आज आपका फिल्म फेस्टिवल स्टार्ट हुआ? यार बहुत खुशी हो रही है कि लोगों का सपना पूरा हो रहा है. मेरा तो खैर भी था कि मैं भी जो है सारे लोगों का सपना है, और पहले मेरा है, और सपना पूरा करने के लिए मैंने सबको इन्वाइट किया. खुशी है कि सब अच्छी अच्छी बेहतरीन फिल्में अपनी लेकर यहाँ आए, और फिल्मों के साथ खुद भी आए हैं, अपनी फिल्में देख भी रहे, लोगों को दिखा भी रहे, उनका रिव्यू भी दे रहे, किसी अच्छी लगी खराब लगी. ये बहुत बेहतरीन चीज होती है किसी भी मेकर के लिए और किसी भी आर्टिस्ट के लिए. धन्यवाद हो रहा है. सबसे पहले तो मैं इस फेस्टिवल के थैंक यू करना चाहूँगा जिन्होंने हमारी फिल्म को सिलेक्ट किया और हमें एक प्लेटफॉर्म दिया कि हम अपनी फिल्म को एक लार्जर ऑडियंस तक दिखा पाए और उनसे रेजोनेट कर पाए, उनसे अपने एक्सपीरियंसेस शेयर कर पाए, उनसे उनको फिल्म कैसी लगी और वन ऑन वन इंटरेक्शन कर पाए. इसकी पहली फिल्म है और स्क्रीन हो गई बड़े पर्दे पर. आई थिंक आई मीन को एक्टर्स तो मैं ही, लेकिन पहले भी काम किया है साथ में, और ये बहुत बड़ा प्राउड मोमेंट मेरे लिए है इसको इस लेवल पे देखने के लिए. ऑनेस्टली बहुत बहुत मेहनत की है इसने, और दो साल पहले इसने मुझे कहानी बताई थी और आज इसे देख कर फाइनली स्क्रीन पर बहुत अच्छा लगा. और एक्चुअली मैं इससे पहले इसके साथ भी काम कर चुका हूँ, और मेघा के साथ भी, गौरी के साथ भी, दोनों के साथ मैं भी इसके साथ काम कर चुका हूँ इस प्रोजेक्ट के लिए. लेकिन हाँ, दैट वाज आई थिंक बेस्ट थिंग हैपेंड. गौरी आप क्या कर रहे हो? बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है. ऑफकोर्स अपने आप को एंड अपने फ्रेंड्स को बिग स्क्रीन पे देखने का सेट किया मैं, एंड समक्ष को मैं जब से बॉम्बे आई हूँ तब से जानती हूँ. मैंने जब थिएटर यहाँ पे ज्वाइन किया था तो समक्ष की वजह से किया था, समक्ष के साथ किया था. उससे पहले हमने एक एड शूट किया था, तो मैंने तब से मेरी और उसकी जर्नी देखी है. उसके बाद मैंने मेघा के साथ भी एक एड किया था लॉकडाउन के बाद, उसके साथ देखा है. एंड जब ये हम शूट कर रहे थे तो बहुत ऐसे फन प्रोसेस था, यू नो, व्हेन यू डूइंग विद योर फ्रेंड्स. उसके बाद जब इसने स्टोरी लिखी थी तो मैं तब से साथ थी. And अभी finally final product देख के लोगों को अच्छी लगी and everything is just like it's overwhelming and wonderful. And I personally loved your performance really, like हंसी भी आई, बुरा भी लगा, सब कुछ feel हुआ इनके लिए. She's a very good actress. चलो इसके बाद अभी ये तो हो गया है. अब upcoming project कुछ और क्या काम है? एक और एक short film है जो international festival के लिए shoot करने जा रहा हूँ. Next month I'll be shooting that. And hopefully उसका ट्रेलर भी जल्दी प्रेजेंट करेंगे बाय ईयर एंड ऑफ द ट्रेलर ऑफ द नेक्स्ट. थैंक यू सो मच. फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू कांग्रेचुलेट एवरीवन हु हैज बीन अ पार्ट ऑफ दिस जर्नी. एंड वी स्टार्टेड दिस जर्नी फ्रॉम लाइक पास्ट 4 इयर्स वी आर ऑन टू इट. एंड समक्ष हु हैज रिटन द स्टोरी, he came with the concept and then he developed it with Abhijit, and then everyone come aboard, and then Kundan came on board, and we just kind of went into the thrill of the whole concept and the music, and we did a lot of research, but also it's the faith of the each and every person who has been associated with the project has made this thing which people are appreciating, and we're just very happy about.
फिल्म का कॉन्सेप्ट क्या है? सो फिल्म का कॉन्सेप्ट कुछ ऐसे है कि एक पैशनेट फोटोग्राफर की कहानी है जो जिसे इमोशंस निकालने हैं, दो इमोशंस, और एक फोटोग्राफी कॉन्सेप्ट बेस्ड है, बट धीरे धीरे वो बढ़ते बढ़ते उसका पैशन इतना बढ़ जाता है कि वो एक कहानी में एक मोड़ लेके आता है और दो लड़कियाँ इन्वॉल्व हैं एंड वो सारा कुछ एक ग्राफिक्स क्रिएट होता है, बट इट्स ऑल्सो समथिंग विच इज फिनोमिनली सिनेमैटिकली वेरी एस्थेटिक आई कैन से. तो वो सारी स्टोरी है बहुत ट्रेजिडी की है, बट पूरी फिल्म आपको सिर्फ ये बताएगी कि सारे इमोशंस आप पुट टुगेदर एक छोटे टाइम में कैसे कर सकते हैं, एंड हाउ यू यू नो यू विल नॉट एक्सपेक्ट द थिंग्स टू कम आउट द वे इट इज अबाउट टू. लाइक द मोमेंट यू आर थिंकिंग कि वो एक थ्रिलर है, वहाँ पे एक कॉमेडी भी आ जाती है, बट एट द सेम टाइम लाइक ऑल द इमोशंस आर पोरिंग. सो या द स्टोरी इज ऑल अबाउट दैट. थैंक यू सो मच. यस, सिनेमा ड्रीम का जो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल हो रहा है, इसमें आप क्या कहना चाहेंगी और आपकी फिल्म सिलेक्ट हुई है? सबसे पहले तो आई एम वेरी हैप्पी कि हम जैसे इंडी फिल्म मेकर्स को ये मौका मिल रहा है कि हम अपनी कुछ चीज़ें पुट टुगेदर कर सके, एंड थैंक यू सो मच टू द सिने ड्रीम्स फॉर क्रिएटिंग दिस. और पूरी टीम बहुत ही थैंकफुल है, ग्रेटफुल है कि हमें अपनी फिल्म एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे दिखाने का मौका मिला जहाँ पर पहुँचना सबसे बड़ी बात है कि वहाँ पहुँचना बहुत एक टास्क होता है, बट हम यहाँ पर अपनी विजन को देख सकते हैं एंड वी कैन प्रोबेबली वर्क एंड यू नो ट्राई टू क्रिएट समथिंग बेटर. सो आई जस्ट वॉन्ट टू थैंक द एसोसिएशन एंड एवरी वन इज एसोसिएटेड विद द फेस्टिवल, एंड आई होप कि आने वाले सालों में गेट्स अ लॉट ऑफ सक्सेस. थैंक यू सो मच. तो पहले तो मैं कहना चाहूँगा सीने ड्रीम्स को मैं तारीफ करना चाहूँगा, ये आपका पहला फेस्टिवल है, शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल, और मैं बहुत जितना भी कहूँ कम रहेगा, बिकॉज सो इम्पोर्टेंट के जो यंग फिल्म मेकर्स हैं, मेरे से भी यंग जो भी है, शुरुआत होनी चाहिए, किसको एक मौका मिलना चाहिए, और एक मौका मिलता है नॉट ओनली टू बिकम अ फिल्म मेकर बट ऑल्सो टू टेल योर स्टोरी. जो स्टोरी आपको लगता है हम दिल से बात कह नहीं सकते, शायद दो घंटे की फिल्म में जो नहीं कह सकते वो एक्चुअली और अच्छी तरीके से आधे घंटे की फिल्म में बन जाती है, कह दिया जाता है. सो आई थिंक द शॉर्ट फिल्म फॉर्मेट इज सो सो ब्यूटीफुल, एंड आई जस्ट वॉच द फिल्म, एवरीबॉडी इन द ऑडियंस वाज इन टीयर्स, आई वाज इन टीयर्स फॉर टू रीजंस. ए, माय डियर फ्रेंड सबा मुमताज ने बहुत सालों से कोशिश कर ली इस फिल्म को बनाने, आखिर में बन गई और बहुत बहुत खूबसूरत फिल्म बनी है, और दूसरी बात फिल्म बहुत ही खूबसूरत है और मैं चाहूंगा आप सब भी देखें. इट इज रियली, इट मेक्स एवरीबॉडी थिंक. बहुत सारी चीजें थीमेटिकली इतनी पावरफुल है दैट एवरीबॉडी विल अंडरस्टैंड एंड फील नॉट जस्ट अबाउट द सब्जेक्ट जिसके बारे में बात करें, बट अबाउट मेनी अदर थिंग्स. मल्टी मुद्दे पे एक फिल्म है, ये बहुत खूबसूरत है, मैं दाद देना चाहूंगा. थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच. थैंक यू. देखिए दोस्तों, आज यहाँ सिने ड्रीम इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल की बिगनिंग हुई है, पहला दिन है 27 तारीख को, 28 को चलेगा, 29 को चलेगा, 29 को अवार्ड शो होगा, और मुझे बड़ी खुशी है कि अपनी इंडस्ट्री के बहुत सारे सेलिब्रिटीज यहाँ आए हैं. कुछ लोग बॉम्बे निरानी जा चुके हैं, मुझे और मेरी फिल्म है अभी थोड़ी देर में दादा लक्ष्मी, जिसको नेशनल और इंटरनेशनल 83 अवार्ड मिल चुके हैं, उसको देखने के लिए पूनम ढिल्लों जी, दीपक पराशर जी, हमारे मिर्ज़ापुर के राजेश तैलंग जी, और काफ़ी सारे सेलिब्रिटी आ रहे हैं, अनूप सोनी जी, बहुत सारे सेलिब्रिटी फिल्म को देखने के लिए आ रहे हैं, और मुझे बड़ी खुशी है कि मैं बॉम्बे में ये शो हुआ सिने ड्रीम फेस्टिवल की वजह से. और ये शो, इसमें पहले शो हो चुके लेकिन बहुत सारे लोगों ने ये फिल्म मिस की थी, तो आज वो सब लोग फिल्म को देख पाएंगे, ये मेरे लिए बड़ा सौभाग्य है. और इस फेस्टिवल में बेशुमार फिल्में देश विदेश की दिखाई जा रही हैं, और जो भी बेस्ट फिल्में होंगी उनको परसों यानी 29 तारीख को अवार्ड मिलेगा और उनको सम्मानित किया जाएगा. थैंक यू. इसमें आपकी फिल्म भी दिखाई जा रही है? हाँ, इसमें मेरी फिल्म भी दिखाई जा रही है दादा लक्ष्मी, जो कि एक शेक्सपियर जिसको कहा जाता है, कबीर दास जिसको कहा जाता है हरियाणा में, वो एक फोक आर्टिस्ट की बायोपिक है जिसमें उत्तम सिंह जी का म्यूजिक है और बहुत ही उम्दा म्यूजिक है, और हमारे प्रकाश झा के जो आर्ट डायरेक्टर हैं जयंत देशमुख ने
आर्ट किया है, माला डे रुदाली फिल्म की जो नेशनल अवार्ड विनर कॉस्ट्यूम डिजाइनर है उन्होंने कॉस्ट्यूम किया है, और सुप्रतिम बोल जिनको अभी पिछले साल नेशनल अवार्ड मिला था कैमरा के लिए उन्होंने कैमरा किया है, और जितने भी हमारे एडिटिंग श्याम बेनेगल के जो एडिटर हैं असीम सिन्हा उन्होंने ये फिल्म एडिट की है, तो जितने भी अच्छे क्रीम टेक्निकल टीम थी वो इसमें काम कर रही है, और तकरीबन 5.5 साल इस फिल्म को बनने में लगे हैं और 6 साल रिलीज होने में लगे हैं, कोरोना भी बीच में आ गया था इसलिए ज़्यादा टाइम लग गया, तो बहुत ही एक और नेशनल अवार्ड भी मिल चुका है, और ये पहली फिल्म है हरियाणा की और आखिरी फिल्म है अभी तक जो जो कांस फिल्म फेस्टिवल में दिखाई गई 2021 को, वहाँ सेकेंड लहर थी उस वक्त तो ऑनलाइन दिखाई गई थी, और मेरे ख्याल से जितने भी लोग देखेंगे यार आज तक जिन्होंने भी देखा है इस फिल्म को दादा लक्ष्मी को किसी ने भी 1% भी आज भी इसकी MDBI क्या बोलते हैं उसको मुझे तो पता भी नहीं है उसका रेट आज भी देखेंगे तो 9 के ऊपर है अभी तक भी, तो आई एम लकी कि मैं इस फिल्म को डायरेक्ट कर पाया, इस फिल्म में एक्ट कर पाया थोड़ा सा और को प्रोड्यूस कर पाया। सर, आप अपने किरदार के बारे में कैसा? मेरा मेन किरदार है जो दादा लक्ष्मी है, लेकिन ये मेन जो है ये फाइनल है, उसकी कहानी नहीं है ये पूरी फिल्म, वो पार्ट टू में आएगा, ये एक बच्चे की कहानी है जो मेरा बचपन कर रहा है, एक यंग लड़के की कहानी है जो मेरा यंग कर रहा है, तो वो दोनों जो ऐसा मेन रोल हैं, लेकिन दादा लक्ष्मी जो लक्ष्मी चंद जिसके ऊपर ये फिल्म है वो रोल ये हम तीनों लोग हम कर रहे हैं, और मैं मेरा 20-25 मिनट का किस किरदार है शुरू बिगिनिंग में, उसके बाद मेरा नहीं है, बच्चा और शुरू हो जाते हैं, तो एक प्रकार से मैं मेनली इसमें एज ए डायरेक्टर और प्रोड्यूसर जुड़ा हूँ, मेनली एक्टर बाद में पार्ट टू में मिलूंगा। अपकमिंग वेलकम चल रही है अभी, Welcome 3 वेलकम टू द जंगल चल रही है, अजय देवगन के साथ ही आएगी, Raid 2 आएगी, अभी Amazon पे वेब सीरीज शुरू होने वाली है बहुत बढ़िया कॉमेडी जिसमें लापता लेडीज के एक्टर हैं सारे मैक्सिमम, दुपहिया ये आएगी आपको बहुत अच्छी मिलेगी कॉमेडी है, और सिविल लाइन है वो भी कॉमेडी है, वो सोनी पे आएगी, वो भी बहुत ही एक कमाल की फिल्म है, बहुत ही बड़ा प्रोजेक्ट है, बहुत अच्छा। Thank you. So this film festival was very different for me because I'm coming from the United States, and I felt that what we just seen right now transcends culture because it is something that is experienced by people from all different cultures, and so it was a really, really beautiful depiction of something that many, many families suffer with dementia and Alzheimer's, and I think anybody, any culture, any country would find something valuable in that film. You are in India, what do you have to say about the culture of India and especially about the male dominated scenario? You really don't want to hear that opinion. I would have to say that the culture itself is really beautiful and it's very, very family oriented. And I think that that itself, to me, is very beautiful because even though times have changed and technology has come in, I see a very big closeness to the culture here in the country. Because my friend here, come here. He actually told me about the film, a little bit about the story, and it was very close to something similar I had went through when I took care of my dad. So I felt like I really needed to come and see this. Anything else on the platform? I think everybody should see it. Thank you. हमारे दो फिल्म हैं मुझे अभी पता चला, इनके हम बड़े फैन हैं और इनके साथ काम करते हैं, और यशपाल हमारे बड़े भाई हैं। दादा लक्ष्मी देखने खास आए हम, एक्चुअली लॉकडाउन के दौरान यशपाल भाई ने कहा था कि उनकी फिल्म बन रही है, और हमारे आदित्य लाखिया साहब की भी फिल्म बन रही है, तो उस वक्त आमिर भाई, आशुतोष और पूरी लगान की टीम हम सोच रहे थे एक दिन इकट्ठा मिलेंगे और ये फिल्में देखेंगे, क्योंकि एक दूसरे से मिलना रहा लॉकडाउन के दौरान, हम मिल नहीं रहे थे, और फाइनली आज मैं ये फिल्म देख रहा हूँ। आई एम सो हैप्पी, ये प्लेटफॉर्म इतना फैबुलस प्लेटफॉर्म है, एंड मैं मेरे दोस्तों से भी मिला और उनके अब्बा से भी मिला, तो बहुत बड़ा दिन है, जिंदाबाद,
for great work happening in our industry and for PVR giving us such a lovely platform. Cheers. Way to go, guys. And thank you for being here. Without you, we can't get anybody. We can't get anybody. सिने ड्रीम्स इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में मेरी फिल्म अंतरनाथ द वॉइस विद इन स्क्रीन हुई. अभी मैं मेरी पूरी टीम और मेरे दोस्तों के साथ आया हूँ एंड आई एम वेरी एक्साइटेड और वी हैड एन ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्स एंड आई एम रियली हैप्पी दैट यू नो माय फादर माय फ्रेंड्स माय क्रू माय टीम मेंबर्स माय म्यूजिक डायरेक्टर माय को राइटर वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट एक्टर्स इन माय फिल्म अनुज नायक एवरीबडी इज हियर and my friends from all over the world have come to cheer and support for me. Thank you so much. जी मैं बोलना चाहूँगी जो सिने अवार्ड्स आयुष सर ने जो ऑर्गेनाइज किया है वो बहुत अच्छा है. मतलब न्यू कमर्स के लिए हम लोग को एक मौका मिलेगा प्लेटफॉर्म पे आने का, लोगों को मतलब लोग हमें पहचानेंगे, तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा है कि न्यू कमर्स के लिए कुछ ओपन हुआ है, जो कि आगे स्ट्रगल करते हैं बाहर सिटी से आते हैं. इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल चल रहा है. यस आई एम रियली प्राउड ऑफ माय डैड, इज अ लॉन्ग वे थ्रू एंड या वी आर वेटिंग फॉर द मूवी. यप दैट्स इट. तो आपका फिल्म फेस्टिवल से सिलेक्ट हुआ? मेरी डैड की. यस यस. उसके बारे में बताइए. It's Dada Lakhmi Chand and it's a documentary. It's musical based. Yeah, something to learn about, really motivational. Yeah, please do watch it, guys. I'm gonna say the same thing. I'm supporting my friend and his father. I'm here to watch his movie and I'm very excited for that. And I'm sure we're gonna get the award also for, like, yeah, we're hoping. Sure. We are hoping. Yeah, thank you. बड़ा खुश हूँ मैं कि सिने ड्रीम्स इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में आज हमारी फिल्म का स्क्रीनिंग हुआ. रिस्पॉन्स तो अच्छा ही था लोगों का और जिस तरीके से लोगों ने रिस्पॉन्ड किया, खुश हूँ मैं काफ़ी और अच्छा लग रहा है कि फिल्म को लोग देख रहे हैं. नीतू मैम को बड़ा मिस कर रहे हैं हम, क्योंकि ये आइडिया ही उनका है, प्रोजेक्ट ही उनका है. शी इज़ द वन हु आर मेकिंग दिस सच ब्यूटीफुल प्रोजेक्ट. और एबीना एंटरटेनमेंट एक ऐसी कंपनी को जो नए टैलेंट्स को ग्रो कर रही है अभी इंडस्ट्री में या फिर मार्केट में बोलना. तो आई एम ऑलवेज थैंकफुल टू द एबीना एंटरटेनमेंट एंड नीतू जोशी टू गिव मी अपॉर्चुनिटी टू डायरेक्ट दिस फिल्म. या इलेक्शन आ रहा है, बाबा जीतेंगे भी, इतना अच्छा काम था कि उन्होंने किया है. और एज अ फिल्म मेकर हमें हर बार लगता है कि जो काम कॉमन मैन के लिए, जो सामान्य आदमी के लिए बाबा ने जो किया है वो हर घर तक पहुंचा है और इस इलेक्शन में उसके रिजल्ट भी दिखे. थैंक यू. 1984 यशपाल शर्मा को बहुत बहुत बधाई है, इतनी बढ़िया फिल्म बनाई है दादा लक्ष्मी. ये जब पहली बार दादा लक्ष्मी का गाना रिकॉर्ड करके यशपाल ने मुझे सुनाया था, वो गाना सुन के ही मतलब मुझे लगा था कि ये फिल्म बहुत कमाल की फिल्म बनने वाली है. और जो पैशन था यशपाल का इस फिल्म को लेकर वो रिमार्केबल था और आज उसको उसका फल भी मिला है. इस फिल्म को नेशनल अवार्ड मिल गया है और मैं दिल से दुआ करूँगा कि दादा लक्ष्मी को और भी अवार्डों से नवाजा जाए और उसको पब्लिक ज़्यादा से ज़्यादा देख पाए. ये मेरी बेस्ट विशेज हैं यशपाल को और इस फिल्म को, दादा लक्ष्मी से जुड़े हुए सभी किरदारों को, सभी टेक्नीशियंस को. मेरे प्रोजेक्ट की बात करने का दिन नहीं है आज, तो दादा लक्ष्मी करते हैं. वैसे अभी ध्रुव तारा और वो चल रहे थे मेहंदी वाला, और एक वेब सीरीज आने वाली है. थैंक यू.